हम लोग जय विलास पैलेस के पास आ गए हैं। ये पीछे जो देख रहे हैं वो जय विलास पैलेस का गेट है। हम लोग यहाँ अभी एंटर करेंगे। जय विलास पहले 1674। रेट बढ़ गया क्या? ये जय विलास पैलेस, इसमें क्या म्यूजियम है? म्यूजियम है ये, और यहाँ पे जो सिंधिया की रॉयल फैमिली है ना, उन लोग भी यही रहते हैं। अच्छा, यही रहते हैं? कहाँ? जय विलास पैलेस में म्यूजियम है, बहुत बड़ा म्यूजियम है। कितने टाइम लग जाएगा घूमते घूमते? दो से तीन घंटे लग जाएंगे। यहाँ सब लिखा हुआ, पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, पूरा हिस्ट्री लिखी हुई है। ये नंबर वाइज जाना है ऐसे, जैसे इजी वे पे हम लोग घूम सकते हैं। सबकी यहाँ पिक दी हुई है, पढ़ सकते हैं। ये पगड़ी 60 मीटर लंबी है। सब पहले के कपड़े जो शादियों में पहनते थे। अलग अलग तरह की पालकियां रहती थी ना, राजाओं के लिए खुली वाली रहती थी, रानियों के लिए पैक वाली। इतना पुराना मिरर है मगर कितना क्लियर है। ये ड्रेसिंग टेबल, सबके मिरर बहुत ही क्लियर है, जरा सा भी स्पॉट नहीं है। ये इंडोर स्विमिंग पूल है। तीन है इसमें ब्रिजेस टाइप के प्लेटफॉर्म्स, एक वो है, एक ये दिया हुआ है, ये है, एक ये ऊपर है और एक उस तरफ ऊपर है। ड्रेसिंग एरिया है, स्विमिंग पूल भी अंदर ही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम लोग ऊपर साइड जा रहे हैं, 7th और 8th रूम है इधर। 7 में
ग्वालियर आइए तो ये पहले ज़रूर घूमने आइएगा, बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। जय विलास पैलेस ज़रूर घूमने आइएगा। बहुत ही अच्छा है जय विलास पैलेस है। आप लोग अगर ग्वालियर कभी ट्रिप लगाइए तो ज़रूर घूमने आइएगा, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। सिगार्स, लाइटर्स चीज़ें उनकी मतलब रख दी गई हैं।